हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, चलिए आज इस पे अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक में लेके आया हूँ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है उसको बारे में समझते हैं पहले अपन। तो देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल। यानी साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें अपन चार्ज पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेट कर सकते हैं, यानी उसकी वेलोसिटी को अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे तो चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, मूवमेंट करते थे हमेशा ही, लेकिन इनको अगर हाई एनर्जी के साथ में अगर इनको एक्सीलरेट किया जाए तो इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन क्या है, ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज पार्टिकल को किया जाता है, एक्सीलरेट किया जाता है। ठीक है, ये तो साइक्लोट्रॉन के बारे में। अब किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है अपन उसको भी देख लेते हैं। तो लिखा मैंने इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है, When a positive charge particle is made to move again and again, यानी अगर मान लो किसी पॉजिटिव चार्ज को अपन अगेन अगेन यानी बार बार अगर मूवमेंट करते जाएं, इस पर हाई फ्रीक्वेंसी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो और साथ में आपको क्या आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके साथ में मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर अपन दो फील्ड दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में अगर मूवमेंट करते जाएं और इसका अगर एक्सेस बढ़ता जाता है तो इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कौन, साइक्लोट्रॉन। ठीक, और समझिए इस प्रिंसिपल को व्यवस्थित बिल्कुल डायग्राम से। सपोज कीजिए कि जैसे मैंने कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लिया नॉर्थ और आपका साउथ। ठीक है, और आपने कोई चार्ज पार्टिकल लिया। अब यहां पर आपको जब आप इसकी वर्किंग देखोगे तो इसका डायग्राम देखोगे तो आपको डी शेप में, इसमें डी शेप में मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। डी शेप में ऐसे एक और डी सेप आपको इधर एक और मैग्नेटिक दिखाई देगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप जरूर रहता है। ठीक है, और इसको और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल अपन का अंतिम के बीच बीच यहाँ पर एक बार अपने चार्ज पार्टिकल को रखा। ठीक, डी सेप में मान लिया डी वन और डी टू करके डी सेप में अपन मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और यहाँ पर अपन क्या रहते हैं, चार्ज पार्टिकल को रखा। अगर इस चार्ज पार्टिकल को अपन प्लस और माइनस से, तो स्टार्टिंग क्या होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो पॉजिटिव चार्ज प्लस से कहाँ जाएगा, नेगेटिव तरफ जाएगा। ठीक, फिर क्या हुआ, हर हाफ के बाद हाफ साइकिल में इसका क्या डायरेक्शन चेंज होता रहता है, यानी प्लस से माइनस, फिर माइनस से क्या हुआ प्लस, तो फिर ये इधर से कहाँ आएगा, इधर आएगा, यानी हाफ हाफ साइकिल में इसका मूवमेंट बढ़ता जाता और एकदम इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और ये क्या होगा, तो ये यहाँ से दूर हो जाएगा। ठीक, यानी चार्ज पार्टिकल आपका क्या हो जाएगा, इसलिए से मूवमेंट करके बाहर चला जाएगा, जहाँ पर भी इसका ऑब्जेक्ट है जहाँ से थ्रो करना वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वाला जहाँ पर इसको हाई ऑसिलेशन पे इसको रखते अपन, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी रखा, तो इसकी वेलोसिटी को अपन क्या करा, इंक्रीज करा इलेक्ट्रिक पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, इसको रोटेशन करेंगे, सर्कुलर रोटेशन करवाएगा, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे इसकी क्या होगी, बढ़ेगी वेलोसिटी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। इससे वेलोसिटी इंक्रीज होगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, इसका सर्कुलर मोमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको कैसे घुमाएगा, सर्कुलर मोमेंट में। तो एकदम इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, इसकी स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। कब, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में और एक हायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में। तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड स्टार्टिंग में तो धीरे थी, इसकी जो एक्सेलरेशन था वो अपने एकदम इंक्रीज कर दिया इसके थ्रू, हायर मैग्नेटिक फील्ड और साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो अब वापस एक बार इसको समझते हैं क्या है ना। तो लिखा हमने साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल। यानी साइक्लोट्रॉन ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज पार्टिकल क्या किया जाता है, एक्सीलरेट किया जाता है। कहते हैं एक्सीलरेशन में अपन एकदम स्कूटी या बाइक को एकदम एक्सीलरेट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे यहाँ पर अपन उसको क्या करा, एक्सीलरेट करा इसमें हायर चार्ज कंडीशन में। ठीक है, तो लिखा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल बेस्ड है, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन, यानी यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हर हाफ साइकिल में क्या करवा रहे हैं, अगेन एंड अगेन मूवमेंट करवाते जा रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पर हाई ऑसिलेशन, यानी देंगे हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेटर, तो इस हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका और साथ में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंट में इसको क्या किया जाता है, एक्सीलरेट किया जाता है। तो आपके जो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है हायर अमाउंट पे और एकदम हायर वेलोसिटी से वो इंक्रीज होकर के चला जाता है। ठीक है, अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें अपन, तो ड्यूरेशन में अपन बना सकते हैं इसके तो प्रिंसिपल और क्या होता है, ये तो लिखा अपन ने। आप इसका वर्किंग वगैरह और जो डायग्राम जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो जरूर लिखें। अब अगर इसके डायग्राम की बात, अब इस एक्सेस में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, जैसे आपका मूवमेंट स्थिर हो रहा था, तो यहाँ पर एक तो इसका सेंट्रिपेटल फोर्स, और इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, आपका लॉरेंट्ज़ फोर्स, यानी
जो आपका क्यू वी भी साइन थीटा जो लॉरेंस फोर्स से इक्वल होगा किसके एम वी स्क्वायर अपॉन आर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका फटाफट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला एम इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 11000 बेसिक का आपका यहां पर जो थीटा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होगा क्योंकि आपका मोमेंट इधर हो रहा और फोर्स इधर हो रहा तो यह 90 डिग्री यानी क्यू वी भी साइन 90 डिग्री इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर वी से एक भी कैंसिल होगा एक भी बच जाएगा यानी क्यू बी साइन 90 डिग्री 1 इक्वल एम वी अपॉन आर यहाँ पर अगर आर को ऐसे लिख दें तो यहाँ आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी तो रेडियस का ये रेशियो पहले भी प्रूव कर रहा था कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ अगर वी की वैल्यू प्री करो इसकी वी की वैल्यू तो आर ऊपर चला जाएगा यानी क्यू बी आर और अपॉन में क्या आ जाएगा एम ठीक तो ये दोनों डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है रेडियस और वेलोसिटी के लिए ठीक तो ये जल्दी नोट करें ताकि इसके आगे देखें अब अगर रेडियस और इसकी बात तो होगी वेलोसिटी की तो अगर अपने से पूछे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है तो उसका डायरेक्शन भी निकाल देते हैं तरीके से डिस्टेंस के लिए देखेंगे टाइम क्वेश्चन क्या होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्यों अपन पढ़ा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टाइम इक्वल्स टू ये हो जाएगा स्पीड आ जाएगी अगर मैं टाइम की बात करूँ हर मोमेंट में हाफ सर्कल हो रहा है यानी हाफ टाइम पीरियड तो हाफ टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू टी अपॉन टू ये हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा और अगर इसी में लगाएंगे अपन तो डिस्टेंस अब अगर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो सर्कल का सर्कम्फेरेंस पूरा होता है अगर हाफ होगा तो कितना होगा टोटल होता है 2πr सर्कमफेरेंस अब अगर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर आपका तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर स्पीड की बात करूँ तो स्पीड क्या होगी इसकी स्पीड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर कितना है क्यू बी आर अपॉन एम अपॉन टेन में चला जाएगा ऊपर चला जाएगा यानी आर से आर कैंसल तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा टी अपॉन टू इक्वल क्या हो गया पाई एम अपॉन क्यू बी ठीक एक और डिक्शन बना आपके लिए ये यहाँ पर टी अपॉन टू जो है ये इक्वल है पाई एम अपॉन क्यू बी इस टू को अगर ऊपर भेज दो तो यहाँ पर बन जाएगा टी इक्वल कितना आ जाएगा टू पाई एम अपॉन क्यू बी ये भी इस साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड का होगा है ठीक और अगर आप इसको देखना चाहो आगे और बन सकता है फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं अपन इससे कैसे फ्रीक्वेंसी आपका एफ जो है न्यू फ्रीक्वेंसी को क्या होगा 1/T फ्रीक्वेंसी 1/9 के रेसिप्रोकल होती है तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल 1/T और टी की वैल्यू 2πm अपॉन क्यू बी का चला जाएगा ऊपर या आ जाएगा क्यू बी तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2πm ठीक अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें अपन तो काइनेटिक एनर्जी को देखो जल्दी से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो अच्छा है देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है 1/2 एम वी स्क्वायर ठीक ये होता है तो अपन वी का फॉर्मूला जो रहता है काइनेटिक एनर्जी के इज इट इज 1/2 एम और वी का फॉर्मूला सुन लेना क्या था वी का फॉर्मूला क्यू बी आर क्यू बी आर अपॉन एम ये बनाया था ठीक और इसका होल स्क्वायर ठीक अब जैसे इसको बोल दो इसको तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 एम मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा एम से एक एम कैंसिल तो एक एम बच जाएगा पावर कर दो ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन होगा तो इस तरीके से अपन साइक्लोट्रॉन को समझा साइक्लोट्रॉन होता क्या है तो साइक्लोट्रॉन ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज पार्टिकल को अपन हायर एनर्जी पे एक्सेलरेट करते हैं ठीक फिर उसका प्रिंसिपल को देखा जिसमें दो फील्ड की जरूरत पड़ती है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंट में अपन चार्ज पार्टिकल को हायर एनर्जी पे एक्सेलरेट करते हैं बार बार उसको रोटेशन करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और वो अपने टारगेट पर हायर एनर्जी से टारगेट पर चला जाता है ठीक उसके साथ हमको डायरेक्शन देखिए उसका रेडियस का डायरेक्शन देखा हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन देखा टाइम पीरियड का डायरेक्शन देखा हमने साथ में ही
टेम्परेचर रिएक्शन देखा और काइनेटिक एनर्जी का रिएक्शन देखा। सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको अपने मन से बना सकते हो और लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है।